कैसे हैं आप, लिखिएगा कमेंट में अपने। आइए सुनते हैं धांशली से भारतीय सभ्यता पर गर्व करने वाली। आइए सुनते हैं क्यों हमें गर्व करना चाहिए भारतीय सभ्यता। वो हज का सब्सिडी खत्म हुई तो कुंभ मेले का विषय आ गया। कुंभ मेला हम सब जानते हैं, कुंभ मेले का एक आस्पेक्ट आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है? कुंभ मेला कितने साल में एक बार पड़ता है? 12 साल में एक बार क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जुपिटर की साइकिल पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशि में दोबारा आता है, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार पड़ता है। हजारों सालों से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको पता था ना कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। इनको तो अभी 100 साल पहले पता चला कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। और उसके बाद हमको समझा दिया जाता है, नहीं साहब हम अनसाइंटिफिक थे। अब आप एक और बड़ी मजेदार बात देख लीजिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन तय करता है? सरकार घोषणा करती है ना, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, अखबार में आता है। किस बेस पे आता है? नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है कि फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। मगर ये बताइए 1950 से पहले तो नासा की ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। 1920 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उससे पहले रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट नहीं पता था। 1920 में एडविन हबल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी, उससे पहले एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स नहीं पता था। 1900 में मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट की क्वांटम की थ्योरी दी, फोटॉन्स वाली, उससे पहले प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ही नहीं पता था। 1897 में जे.जे. टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, उससे पहले आप मानते थे एटम अनडिविजिबल है। और 1633 में आप ये कहते थे, गैलीलियो को फांसी दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने कहा सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, गलत है। तो भैया आप 380 साल चल के जहां पहुंचे हैं, हमारा पंचांग तो युधिष्ठिर के जमाने से एज इट इज चला आ रहा है। 5100 मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये तो साइंटिफिक। फिर भी हमें समझाया जाता है कि साहब जो हमने सोचा उस समय हम अनसाइंटिफिक थे, हम गलत थे। बड़ी मजेदार बात है। इन स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन 50 साल में, देखिए ये जो अर्बन नक्सल थे उन्होंने हमारे दिमागों में क्या क्या भरा और फैक्ट क्या था। 50 साल पहले जिस जिस चीज का मजाक उड़ाया गया वो चीज आज ठीक उसके उलट हो गई। 50 साल पहले कहते थे अरे यार ये अगर खेती करनी है तो मैकेनाइज फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, गाय के गोबर से कोई खेती होती, आदमी चांद पे पहुंच गया तुम गाय के गोबर पे पड़े हो। आज नहीं नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग। 50 साल पहले क्या कहते थे, अरे भाई ये जड़ी बूटियों फूल फल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है? नीम हकीम खतरा है जान, खाना है तो नई दवाएं खाओ, क्लोसिन, मेटासिन, टेरामाइसिन। आज आप क्या कहते हैं, नहीं 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 केमिकल नहीं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ। ठीक, आज से केवल 50 साल पहले आप ये कहते थे, जब हम कहते थे पेड़ों की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो, पहाड़ की रक्षा करो, कहते थे दिस इज द रेमिनिसेंस ऑफ ए प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन। आज 1992 के रियो डी जनेरो से लेके 2009 के कोपेनहेगन से लेके 2016 के पेरिस तक आप कहते हैं नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट करो। भैया सब कुछ उलटता जा रहा है, जो हमने कहा जिसका आपने मजाक उड़ाया वो सब कुछ सही होता जा रहा। अब मैं एक और बात कहूंगा जिसका कि बहुत मजाक उड़ाया गया, शायद हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। भारत में यह कहा जाता था कि ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान लगाओ। संत महात्मा जाके गुफा में ध्यान लगाते थे, पीर फकीर जाके कहते थे इल्हाम हो जाएगा। लोग कहते थे क्या बेवकूफ है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि जाके ध्यान लगाया ज्ञान प्राप्त हो गया? इफ यू वॉन्ट टू अटेन नॉलेज यू मस्ट आउटरीच, अंडरस्टैंड द थिंग्स, मीट द पीपुल, विजिट द प्लेस, लाइक व्हाट डार्विन हैज डन। अब 50 साल बाद मैं आपसे पूछता हूं, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो दो रास्ते हैं, एक यहां से दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़िए, 16 से 22 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट, और आज का अखबार कल पढ़िए, और दूसरा है कि मोबाइल पर डाउनलोड करिए खट से और पढ़ लीजिए। क्यों, आपके हाथ में डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई उसने सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसने सपोर्टिंग नेटवर्क भी बनाया है। उसी ढंग से हमारा शरीर एक डिवाइस है,
तो इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार और कॉन्शियसनेस एक सॉफ्टवेयर है और उसका कनेक्टिंग नेटवर्क भी है, बस नेटवर्क से कनेक्ट होना है और सब डाउनलोड। और अंत में मैं एक उदाहरण दूंगा, सब कुछ कहा जाता था कि पैसे के कारण शोषण हुआ, इसलिए खड़े हो जाओ, लोगों के साथ भिड़ जाओ। हमारे यहां परंपरा में त्याग का महत्व था। हम आपसे पूछें, दो राजा बताइए जो सबसे बड़े महान माने गए भारतीय संस्कृति में, राजा राम और राजा हरिश्चंद्र, दोनों इसलिए कि त्याग किया, इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा इलाका अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह कब्जा कर लिया। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, वो त्याग कैसे समाज में रचा बसा था। हमारे पूज्य संतों में से एक हुए संत रविदास, काशी के रहने वाले थे, उनके पास भगवान राम की एक मूर्ति थी। काशी नरेश उनके पास गए, कहा जाता था इतनी सिद्ध मूर्ति है, आप कृपया इसे मुझे दे दीजिए, ऐसी मूर्ति राजा के पास होनी चाहिए राजभवन में, ना कि इसमें, मैं इस मूर्ति के वेट का 10 गुना सोना आपको दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी इसके वेट का 100 गुना सोना दे दूंगा, उन्होंने मना कर दिया। तो राजा को थोड़ा क्रोध आ गया, उसने कहा ऐसा है रैदास जी, आज जिस झोपड़ी में रह रहे हैं इसमें जितना सोना आ सकता हो नीचे से ऊपर तक उतना भर लीजिए, उतना मैं आपको देने को तैयार हूं। तो एक बार उनकी पत्नी का मन आया कि भाई ऐसा बढ़िया ऑफर नहीं मिलेगा, अब हमें इस पर विचार कर लेना चाहिए। रैदास ने क्या जवाब दिया, एक मोरो राम नाम धन, एक मोरी आशा, ऊ धन आई है ई चले गई है, ना चाहे भगत रैदासा, मना कर दिया। रैदास जी क्या थे, वो जूते बनाते थे, आज की परिभाषा के अनुसार दलित थे। अब आप आइए, संत कबीर जुलाहा थे, आज की परिभाषा के अनुसार ओबीसी। जब उन्होंने, उनके बेटे ने भगवान के भजन के बजाय पैसा कमाना शुरू किया तो कबीर ने क्या कहा, उनके बेटे का नाम था कमाल, उन्होंने कहा बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, और हरिका भजना छोड़ के घर ले आया माल। यानी उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया, आप त्याग में रह के दिखाएंगे। अब आप आइए, मीराबाई राज परिवार की थी आज के हिसाब से फॉरवर्ड, और उन्होंने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और जन्म जन्म की पूंजी पाई बाकी सब लुटायो। उन्होंने भी पैसे की तरफ नहीं देखा। और अंत में ये सब एक ही कंटेम्प्रेरी है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो ब्राह्मण थे फॉरवर्ड आज के जमाने के हिसाब से। कहा जाता अकबर उनके पास गए, अकबर ने कहा कि आप हमारे दरबार में आकर स्थान ग्रहण करिए, हम आपको 60,000 की मनसबदारी देंगे। उस जमाने में मनसबदारी एक रैंक होती थी, तो जैसे 40,000 की मनसबदारी वॉज मैक्सिमम, 60,000 का मतलब हुआ कि राजा के बाद सबसे बड़ा स्टेटस आपका होगा। तो तुलसी ने क्या जवाब दिया, हम तो सेवक राम के, हियो धरो दरबार, हमारे तो हृदय में भगवान राम का दरबार धरा हुआ है, तुलसी का अब होएंगे नरके मनसबदार। ये मैंने क्यों बताया, जो बातें ये अर्बन नक्सलिस्ट समझाते हैं कि शोषण किया गया, कैपिटलिज्म किया गया, अगर मार्क्स ने कहा धर्म एक अफीम है जो गरीबों को पिला दी जाती है ताकि अमीर उस पर हुकूमत करता रहे, पर यहां ऐसा नहीं था, मैंने दिखाया समाज का निचला वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, राज करने वाला वर्ग हो, सबने कहा जो त्याग करेगा वो महान होगा। इसीलिए हमारे यहां महात्मा गांधी महान हुए, ना कि प्रधानमंत्री रहने वाले नेहरू महान। तो इसलिए मैं अंत में ये कहूंगा आप सभी लोगों से कि ये जो मायावी रावण साधु का वेश बना के आता है, सूक्ष्म दृष्टि से इसको समझिए और आश्वस्त रहिए कि वो चाहे कितना भी मायावी हो, अंत में विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हम आज दुनिया के यंगेस्ट नेशन है। जैसा अभी नलपत जी ने कहा ना कि भाई पीपल लाइक अस वी आर इन माइनॉरिटी, हम देश दुनिया के सबसे युवा देश हैं, यह सत्य है मगर यह अर्ध सत्य है, हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो एक गौरवशाली हमारा भूतकाल है और एक शानदार भविष्य है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस बीच के इस माया के प्रपंचों को से हम बचे रहें तो कहीं कोई संदेह नहीं। एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।